ओम गणेशाय नमः। आज बुधवार के दिन आइए सुनते हैं विनायक जी की यह कहानी। एक बहुत गरीब अंधी बूढ़ी माई थी। उनका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और बहू थी। बूढ़ी माई की भगवान श्री गणेश में बहुत श्रद्धा थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक रोज गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई, कुछ मांग, मैं तेरी पूजा से खुश हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे तो मांगना नहीं आता। तो गणेश जी भगवान ने कहा, अपने बेटे बहू से पूछ, मैं कल फिर आऊँगा, अपने बेटे बहू से पूछ कर बताती हूँ। बुढ़िया माई बोली, तो वह अपने बेटे से बोली, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए और उनसे वर मांगने को कहा। मुझे तो पता नहीं क्या मांगना चाहिए, तो तुम दोनों ही कुछ सोच समझ कर बताओ क्या मांगना चाहिए, वो कल फिर आएंगे। बेटे ने कहा कि माँ धन दौलत मांग ले, और बहू अपनी माता से बोली कि सासू जी, हमारी शादी को काफ़ी समय हो गया है और आपको पोता भी चाहिए, तो क्यों ना पोता ही मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं, सो सोचा मेरी प्यारी सहेली से पूछती हूँ, वो मुझे सही सलाह देगी। पड़ोसन से जाकर कहा कि मुझे विनायक जी ने कहा है कि कुछ मांग, मैंने अपने बेटे से पूछा, बेटा कहता है कि धन मांग, और बहू कहती है पोता मांग लो। तब पड़ोसन बोली कि ना तू धन मांग ना तू पोता मांग, तू थोड़े दिन तो जिएगी सो तू आंखें मांग ले। तो उसने पड़ोसन की बात नहीं मानी। सरल सी बुढ़िया माई घर पर जाकर सोचने लगी कि ऐसा क्या वरदान लिया जाए कि बेटा बहू भी खुश हो जाएं या मेरे मतलब की बात भी हो जाए। अगले दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई, आज कुछ मांग ले। तब वह बोली, आँख दे जिससे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देख, सुहाग दे निरोग काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटे पोते पर पोते दुनिया में भाई भतीजे सारे भरे पूरे को सुख दे मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि माई, तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराते हुए बोले, परंतु जैसे तुमने कहा सब वैसे ही होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के उसी प्रकार सब कुछ हो गया। हे गणेश जी, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। एक और कथा के अनुसार एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लगेगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने चल पड़ी। जाने से पहले
बेटी को दो लड्डू दिए और एक घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांववासी वापिस आ गए, लेकिन लड़की वापिस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि एक लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और एक लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह एक लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के वेश में आए और उसे एक लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगूं, अन्न मांगूं या धन मांगूं या अपने लिए अच्छा वर मांगूं या खेत मांगूं या महल मांगूं। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गए। बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब हो गया।